जमाल खान तानसेन के बेटे बिलास को बिगाड़ने का कोई भी मौका नहीं चूकता था। एक दिन वो बिलास को लेकर जमुना किनारे जाता है, जहां केवट शमशेर सिंह अपने गाने से वादियों को मदहोश कर रहा था। ना मथुरा जाइए, मन में है आपके प्रभु की मूरत, जान जाइए काशी जाइए, ना मथुरा जाइए। बिलास शमशेर के गाने से बेहद मुतासिर होता है और उसके गाने की तारीफ करता है। शमशेर अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि बिलास तानसेन का बेटा है, तो उसके प्रतिशोध की चिंगारी भड़क उठती है, क्योंकि वो तानसेन ही था जिसने भरे दरबार में शमशेर सिंह को उसके गाने पर सजा दिलवाई थी। फिर इन्हें वो मौका भी मिल गया जिसके तहत वो तानसेन को हमेशा के लिए खामोश कर सकते थे। बली, शुक्र है कि आप इतनी जल्दी आ गए। आपका पैगाम मिले और मां बदौलत हाजिर ना हूं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मगर इस तरह अचानक आपका हमें तलब करना और आपकी बदहवासी का आलम यह कि ना सलाम ना दुआ खैरियत। मुस्ताकी के लिए माफी चाहती हूँ महाबली, लेकिन पहले आप अंदर चलिए, न जाने शहजादा सलीम को क्या हो गया। अच्छा खासा तो था, मामूली सा बुखार आ गया होगा। आप खवातीन भी जरा सी बात। ये जरा सी बात नहीं है महाबली, उसकी तबीयत सचमुच सख्त बिगड़ी हुई है। शाही हकीम साहब को तलाक की? जी हाँ, वो हाजिर हो चुके हैं और शहजादा सलीम के पास हैं। हमने जो दवा आपको दी थी, क्या उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं हकीम साहब, अब तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। राजू है, हालांकि उस दवा का असर तो होना चाहिए था। जी हूँ बेटे। आदाब अबू, आदाब। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसी तबीयत है बेटे? पता नहीं अब्बा हुजूर, हमें इस कदर तक ठंडी महसूस हो रही है जैसे हमारे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हो। अल्लाह ठीक करेगा बेटे, अल्लाह शफा देगा। महारानी आप देख रही हैं, हमारा बेटा ठंड से कांप रहा है, इसे और कंबल ओढ़वा दीजिए। अब्बा हुजूर, कंबल तो हमने ओढ़ रखा है, मगर ना जाने क्यों फिर भी हमारी सर्दी बिल्कुल कम नहीं हो पा रही है।
सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। हकीम साहब, मौसम तो सर्द नहीं है, फिर सलीम ठंड से कांप क्यों रहा है? बाज दफा नसों में खून की रवानी की रफ्तार कम या ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर ऐसी शिकायत हो जाती है। हकीम साहब, इस मर्ज का कोई इलाज तो होगा। जी हाँ, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो अंदरूनी तौर पर जिस्म में गर्मी पैदा करती हैं। तो वो दवाएं अब तक क्यों नहीं दी गईं? हम हर तरह की दवाई आजमा चुके हैं बंदा परवर, मगर फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप हमारी सल्तनत के शाही हकीम हैं, और जहां तक हमारा ख्याल है, आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हकीम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हम पूरे तौर से कोशिश कर रहे हैं आलीजा, और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे, मगर थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वक्त? आप बखूबी जानते हैं कि सलीम हमारी जान है, इसलिए ये सोचकर आप सलीम का इलाज कीजिए कि जितना वक्त इसके इलाज में लगेगा, उसका एक एक पल मां बदौलत के लिए एक एक साल के बराबर होगा। हम आपकी कैफियत समझ सकते हैं आलीजा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो दवा हमने मरीज को दी है उसके मुताबिक उसे आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए अगर आप। बेहतर है हकीम साहब, मगर आपको यह ताकीद की जाती है कि जब तक शहजादा सलीम पूरे तौर पर सेहतयाब ना हो, तब तक आप हमारे महल में ही रहेंगे। ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं आलीजा, सलीम महज आपका ही नहीं, हमारा भी बेटा है। शेखू बेटे, अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। बेटे आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। खुदा हाफिज अबू। खुदा हाफिज मेरे बच्चे, खुदा हाफिज। आइए मां, हकीम साहब के इलाज में खलल डालना मुनासिब नहीं। साहब, कब तक इन तसलियों के सहारे जिंदा रहा जा सकता है? हम बजाते खुद बहुत शर्मिंदा है आलीजा, हमने हर वो जड़ी बूटी और हर वो दवाई शहजादे पर आजमाई है जिसकी तासीर गर्म हो, लेकिन न जाने क्यों मर्ज है कि पकड़ ही में नहीं आ रहा, और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहजादे की हालत ठीक होने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। हमने हर तरह का तावीज भी करवा कर देख लिया, मगर ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे इस फूल जैसे बच्चे को। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, शहजादे मियां किसी भी तरह के इल्म का शिकार नहीं है, बल्कि मर्ज का शिकार है। आप ही बताइए हकीम साहब, इस मर्ज का इलाज क्या है? हमें हर हाल में शहजादे की सेहत याबी चाहिए। हुजूर, कोशिश करना इस नाचिस का फर्ज है, बाकी अल्लाह की मर्जी। हम महज एक हकीम हैं, मसीहा नहीं। तो फिर किसी मसीहा को बुलाइए महाबली, क्या आपकी पूरी सल्तनत में कोई ऐसा मसीहा नहीं जो मेरे बच्चे की जान बख्श सके? तो फिर आपके बादशाह होने का फायदा क्या? महारानी, बकौल हकीम साहब कि वो महज एक हकीम है, मसीहा नहीं, इसी तरह हम भी महज एक बादशाह हैं, खुदा नहीं। हम किसी को मौत तो दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं दे सकते। एक शहंशाह
और उस शहंशाहों के शहंशाह में शायद यही फर्क है। शमाल खान, लगता है आज आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, जिसका इलाज हमारे शाही हकीम के लिए तकरीबन नामुमकिन है, उस मर्ज का इलाज भला एक मौसीकार कैसे कर सकता है? हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस दलील से आप साबित क्या करना चाह रहे हैं। अब छोटा मुंह और बड़ी बात है हुजूर, और फिर मेरा मुंह तो छोटी बात कहने की भी औकात नहीं रखता। भला एक अदना सा बागवां मौसीकी के बारे में क्या जाने आलमपना, लेकिन ये खाकसार इतना जरूर जानता है आलमपना कि इन्हीं मियां तानसेन के गाने पर आपके दरबार में पड़े हुए साज बिना साजिंदों के बज उठे थे, ये करिश्मा मां बदौलत ने बजाते खुद देखा है, और इन्हीं मियां तानसेन के गाने पर आसमान से पानी बरस गया था, ये करिश्मा मां बदौलत ने बजाते खुद सुना है। तो हुजूर, मौसीकी के जिस करिश्मे को आप बजाते खुद देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं, मुमकिन है कि वही मौसीकी एक बार फिर वो करिश्मा कर दे जिससे शहजादे मियां ठीक हो जाएं? नामुमकिन जी, हमें भी ये बात नामुमकिन लग रही है, लेकिन जिसने हमें राग के बारे में बताया था उसने राग का नाम दीपक राग बताया था आलमपना, और उसने ये भी कहा था कि शायद मियां तानसेन इस राग को गाने से इनकार कर दें। वजह? अब तफसील से तो मियां तानसेन ही बता सकते हैं हुजूर, हमने तो उड़ती उड़ती सुनी थी, डरते डरते कह दिया आलमपना, आखिर ये शहजादे मियां की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, आप जा सकते हैं। जो हुक्म आलीजा, लेकिन आलीजा इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा कि बताने वाले ने हमें खास तौर पर यह बताया था कि मियां तानसेन इस राग को नहीं गाएंगे। ठीक है। रहमत खान जी, आलमपना, मियां तानसेन तक हमारा ये पैगाम पहुंचाइए कि मां बदौलत ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा वो फौरन से पेशतर मां बदौलत की खिदमत में हाजिर हूं। जी हजूर। लैसे इस जीवन को सादे ले, लैसे इस जीवन को सादे ले, सानी दानी दम दम गम ग सग मद मदनी दनी सग गजानी सानी दानी दम दम ग गम द मदनी दनी द लैसे इस जीवन को सादे ले, अलकों से सावन को बांध ले, सावन को बांध ले, बन के तू बैरन आज बिजुरिया, सुरगी नगरिया नाच गुजरिया, सुरगी नगरिया नाच गुजरिया, सुरगी नगरिया सनी नि सन नि सम नि दद नि दद नि दम दम मदम सानी दम ग सम ni 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 san da 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 ni 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 da 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 ni 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 ma da 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 ga ma da ni da ni da ni sa ga ma da ni da ni da ni sa ga ma da ni sa da ni sa ga ma da ni sa da ni sa ga ma da ni sa da ni sa da ni sa da sa क्या बादशाह सलामत ने हमें तलब किया है, वो भी इस वक्त? सब ठीक तो है ना? इस मामले में खाकसार को कुछ भी मालूम नहीं हुजूर,
मुझे तो सिर्फ यही ताकीद की गई है कि आपको फौरन से पेशतर हाजिर किया जाए। ठीक है, तुम जाओ। जी हुजूर। अम्मी जान। हाँ बोलो बेटे। हम आपसे बहुत खफा हैं। हम जानते हैं, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम तुम्हें इस नामुराद बीमारी से निजात नहीं दिला सके, इसलिए हमसे खफा होने का तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है। पर अम्मी जान, हम इसलिए खफा नहीं हैं कि आप हमारा इलाज ना करा सकें, पर हम तो इसलिए खफा हैं कि हमारी फिक्र में आप कई दिनों से सोई तक नहीं। हम बीमार हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खुद को भी जानबूझकर बीमार कर लें। हे भगवान। अम्मी, हकीम साहब, ये अचानक अम्मी को क्या हुआ? बेटे, तुम्हारी माँ महारानी बाद में है, पहले एक माँ है, इसीलिए आंसू बहाकर अपने मन का बोझ हल्का कर रही है। तानसेन आपसे मिलने आए हैं। मियां जी तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। पहले आप ये बताएं कि शहजादे सलीम की तबीयत कैसी है? क्या बताएं मियां जी, हमारी बेगम भगवान की मूर्ति को अपने ममता के आंसुओं से तर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ओह, हमें पूरा यकीन है आलमपना, भगवान उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। मियां, क्या यह बात आपके लिए ताज्जुब खेज नहीं है कि आज हमने यहां आपको बेवक्त तलब किया है? बेवक्त? अपनों को बुलाने के लिए कोई वक्त तय नहीं होता आलमपना। आपका जवाब काबिले तारीफ है। मियां जी, हम आपसे ये दरियाफ्त करना चाहेंगे कि क्या मौसीकी में कोई दीपक राग होता है? दीपक राग? आलमपना, इस राग के विषय में आपको किसने बताया? सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल करना इल्म मजलिस के खिलाफ है और हम इसे बेअदबी मानते हैं। क्षमा चाहता हूं आलमपना, मैं तो इसलिए अचंभे में पड़ गया कि जिस राग के विषय में आप बात कर रहे हैं उसे गाना या सिखाना भी वर्जित है, क्योंकि इस राग के गाने से इसका मतलब है कि दीपक राग होता है। निसंदेह होता है आलमपना, लेकिन मां बदौलत को इस बात का इल्म हुआ है कि अगर आप दीपक राग गाएं तो मुमकिन है कि उसके असर से शहजादा शेखु सेहतियाब हो जाए। आपकी यह खामोशी हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि दीपक राग ना गाने में आपकी कोई मसलहत है। नहीं आलमपना, यह बात नहीं है। तो फिर दीपक राग के नाम पर आपकी खामोशी का सबब? हम तो मारे शर्म के इसलिए चुप हैं आलमपना कि यह बात आपको हमसे कहनी क्यों पड़ी। स्वयं हमारे मन में विचार क्यों नहीं आया कि हमारे दीपक राग गाने से शहजादे सलीम की तबीयत ठीक हो सकती है? तो क्या आप हमारे शेखू की सेहत याबी के लिए दीपक राग गाएंगे? बेशक गाऊंगा आलमपना। यदि मेरे दीपक राग गाने से शहजादे सलीम को जीवन दान मिलता है और आपकी खुशियां आपको वापस मिल जाती हैं, तो मुझे दीपक राग गाने में कोई एतराज नहीं आलमपना। मैं गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। आपके तमाम जवाब मां बदौलत की उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकले। हम आपका मतलब नहीं समझे आलमपना। आप समझेंगे भी नहीं शहंशाह मौसीकी,
हमें इतला देने वाले ने यह आगाह किया था कि शायद आप दीपक राग गाने से गुरेज करें। इतला देने वाला अपनी जगह पर ठीक था अलम्पना, हम दीपक राग गाने से इनकार जरूर कर देते अगर कारण कोई और होता, किंतु शहजादे सलीम के जीवन की रक्षा के लिए हम दीपक राग गाने से इनकार करेंगे, ऐसा सोचकर सोचने वाले ने तानसेन को तानसेन के स्तर से बहुत नीचे समझने की चेष्टा की है अलम्पना। मियां जी, हम ये जानना चाहेंगे कि दीपक राग गाने से गुरेज की वजह क्या हो सकती है। वजह तो मैं नहीं जानता अलम्पना, लेकिन गुरुजनों का कहना है कि दीपक राग गाना नहीं चाहिए। समझ लीजिए कि एक वहम है जो सदियों से अकारण ही प्रचलित है। आप चिंता ना कीजिए अलम्पना, आज शाम को शहजादे सलीम के कक्ष में जितने भी चिराग हो सके रखवा दीजिए, और हां, कोई भी चिराग जलना नहीं चाहिए। सूरज ढलते ही हम दीपक राग गाएंगे, हम दीपक राग गाएंगे, हम दीपक राग गाएंगे। मंगल यति मंगल स्वर तानसेन।